टोटल स्यापा जो है ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, ये अमन और आशा की लव स्टोरी है और आशा और उनकी लव स्टोरी के बीच में ये जो पूरा स्यापा एक मचा हुआ है, इसको किस तरह इससे गुजर के ये पुल पार करके ये दूसरे से मिले, क्या करें। स्यापा एक पंजाबी वर्ड है, इसका मतलब है कि पंगा पड़ गया या जब कोई ऐसी कोई ख़राब सिचुएशन आती है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको लगता है मतलब कि क्या किया जाए, जैसे स्यापा हो गई, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई या समथिंग लाइक दैट इन पंजाबी। तो टोटल स्यापा फिल्म का टाइटल बिल्कुल जस्टिफाइड है क्योंकि फिल्म में पहला स्यापा आप देख ही सकते हैं कि घर पे मैंने सिर्फ इतना ही बताया है कि मुस्लिम है, ये नहीं बताया कि पाकिस्तान से है, जो उनका रिएक्शन होता है वो सब चीज़ें होती है, वो पहला स्यापा है। पर फिल्म देखेंगे तो लगेगा वो और बिल्डअप होता रहता है किस लेवल में पहुँच जाता है, चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होती हैं, क्या होता है। सो दैट्स व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट, टोटल स्यापा। जब आप सोचते हैं कि दिस, कभी कभी होता है कि एक दिन आपको बिल्कुल परफेक्ट जाना चाहिए, आपने प्लानिंग की होती है कि आज तो ये सब कुछ परफेक्ट है, और उसी दिन जब स्यापे पे स्यापा हो जाए, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हो जाए, इट्स टोटल स्यापा। आई प्ले द लीड कैरेक्टर कॉल्ड आशा सिंह, एंड कहानी ही है आशा फॉल्स इन लव विद अमन और कैसे वो घर पे मिलवाती है, क्या रिएक्शन होता है घर पे, और आगे क्या क्या होता है, पूरी उनकी कहानी है, जर्नी है वो, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या होता है वो तो फिर आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। आई थिंक आज के टाइम में मुझे लगता कि इट्स अबाउट लुकिंग ग्लैमरस और नॉन ग्लैमरस, इट्स अबाउट लुकिंग अ पार्ट ऑफ द कैरेक्टर। और जहाँ तक कैरेक्टर की बात है, डायरेक्टर इज़ वेरी हैप्पी कि किस तरह का मेरा कैरेक्टर और कैसे मैंने पोर्ट्रे किया है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लोगों को भी काफ़ी पसंद आ रहा है। आई थिंक जो भी हो कैरेक्टर के हिसाब से, अगर कैरेक्टर डिमांड करता है दैट यू हैव टू लुक इन अ सर्टन वे, यू हैव टू लुक इन अ सर्टन वे, अदरवाइज आप फनी दिखेंगे। कि डिमांड तो कुछ और है पर आपने जो यू नो कुछ और या बन के आ गए, तो मुझे लगता है ऐसा कोई करता भी है। सो इट्स और लुक बिल्कुल जैसे मैंने कहा लंदन की कहानी है, तो जैसे लंदन में लड़कियाँ होती हैं, ठंड वहाँ होती है, यू हैव टू वेयर ओवर कोट्स, ऐसा नहीं है आप कुछ वहाँ पे कोई ग्लैमरस आउटफिट पहन के आप वहाँ खड़े हो जाएंगे, इट्स अ रियलिस्टिक स्टोरी। सो ऑफ कोर्स कॉस्ट्यूम्स भी इसी हिसाब से हैं। यामी गौतम एक बहुत ही प्रोफेशनल, बड़ी अच्छी सुलझी हुई एक्ट्रेस है, वेरी डिसेंट, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का, बिकॉज कोई फिनिकी नहीं थी, हमेशा टाइम पे थी, और ऐसा नहीं था कि हर वक्त अपना मेकअप देख रही हैं, चीज़ें कर रही हैं, जो काम करने वाला होता है कि सीन क्या कह रहा है, एक्टिंग क्या कह रही है, डिमांड के उसमें रहती थी, बड़ी ऑनेस्ट विद हर वर्क। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अली बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छे को एक्टर हैं, और अली भी और सब लोग, किरण जी, अनुपम जी, सारा, अनुज, एवरीबडी, पूरी जो फिल्म थी, अच्छा लगता है जब अगर फिल्म का जहाँ आप काम करो वहाँ माहौल भी बहुत पॉजिटिव हो और अच्छा हो, और बिल्कुल फैमिली की तरह ही हम लोगों ने शूट किया है, तो बहुत हंसी मजाक, और किरण जी बहुत मजाक किया है, अली को भी मजाक बहुत पसंद है, तो काफ़ी मजा आया काम करने। अनुपम खेर जी और किरण खेर जी जो है पहली दफ़ा स्क्रीन पे एक जोड़ी के तौर पे आए हैं, क्योंकि वो रियल लाइफ में भी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, मियाँ बीवी हैं, तो ये एक अनोखी चीज़ है कि पहली दफ़ा वो ऑन स्क्रीन मियाँ बीवी के तौर पे आए। बड़े हंसी मजाक में ही बड़े जिंदा दिल लोग हैं, और हंसी मजाक में उनके साथ वो काम हो गया और एक फैमिली की तरह बड़ा मज़ा आया। ख्याल से लोगों को पसंद आ रहे हैं, स्पेशली दो गाने टोटल स्यापा, आइडल ट्रैक और पलट मेरी जान, तो आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि रिलीज़ करने से पहले ही मुझे बहुत अच्छा लगा था पलट, खास करके पलट मेरी जान। मैं यही कहना चाहूँगी, ऑफकोर्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, फिल्म रिलीज़ हो रही है, ये कहना चाहूँगी आइए तुम देखिए, बिल्कुल फैमिली व्यूइंग एंटरटेनिंग फिल्म है, जिसमें आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा कि अच्छा एक इंडियन पाकिस्तानी के बीच में एक लव स्टोरी है, उसका ये भी एंगल अलग हो सकता है कि यू नो आप व्हेन दे फॉल इन लव उसके बाद क्या होता है, एंड हाउ जब फैमिली से मिलते हैं तो क्या होता है, और भी क्या कॉमेडी फेयर्स होते हैं, तो सारी इन चीज़ों की कहानी है, इट्स अ मिक्स एंड मैच ब्लेंड ऑफ लॉट ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.